चला के देंगे सर इसको। कितना समय लगेगा ठीक कराने में ये बताइए मुझे, मैं भेजूंगा एसडीएम साहब को चेक करने। मैंने तो देख लिया सर, एडब्ल्यूई ने देख लिया। बताओ कितना कितना काम है कठुआ जिला के दूरदराज इलाका ब्लॉक डुगन में बुधवार को ब्लॉक दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डीसी कठुआ राहुल पांडे ने की। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधियों और कई विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। ब्लॉक दिवस में आए विभिन्न पंचायतों के पंच सरपंचों ने अपने अपने पंचायत में पेश आ रही समस्याओं से डीसी को अवगत करवाया। समस्या सुनने के बाद डीसी ने ब्लॉक दिवस में मौजूद अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का निदान करने के निर्देश दिए और लोगों को आश्वासन दिया कि समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बता रहे हैं कि ठीक नहीं है, क्या स्टेटस है सर? इसमें ऐसे है कि जो हम सर्वे फर्स्ट का है, ये हमारा काम नहीं हुआ था उस समय। नहीं सर, कब स्टार्ट कराया सर? ये जाते तो पहले इसके तो तीन केस थे सर, इसके कोर्ट केस थे, उसके बाद फिर ये लोग वगैरह यहाँ पे वो साइट जगह भी नहीं दे रहे थे बड़ी मुश्किल से, वो भी बेचारे एस डी एम साहब और तहसीलदार की मदद से हमने वगैरह फोर्स वगैरह लेकर। एक्टिविटी जो है ना वो पीएमजीएसवाई 4 के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट अप्रूव कराएंगे, ठीक है? जोड़े माता का ठीक है, पूर्ण में था एक शीर हो जाएगा वो मेरे ख्याल में, वहाँ लैंड है सर, मैंने पता। आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। डुगन में आने का प्रयास मैं बहुत दिनों से कर रहा था, किसी न किसी कारण से पोस्टपोन करना पड़ रहा था कार्यक्रम, बीच में बारिश हो गई फिर सड़क बंद हो गई। कोशिश यही थी कि आज चल लिया जाए, और आज जब निकले तो भी पता चला वीडियो साहब का ट्रांसफर हो गया, तो मैंने कहा मुझे लगता है ये भी संकेत है कि आज रिजेक्ट कर लेनी चाहिए पूरी। डुगन निश्चित रूप से हमारा एक ऐसा ब्लॉक है जिसको बहुत ज्यादा अभी विकास की आवश्यकता है। इस जिले में दो एस्पिरेशनल ब्लॉक है। एस्पिरेशनल ब्लॉक का मतलब होता है आकांक्षी ब्लॉक, ऐसे दो ब्लॉक जिनमें सबसे ज्यादा संभावना है विकास की, ऐसे दो ब्लॉक्स को चयनित किया गया, और ऐसे दो ब्लॉक्स को थोड़ी सी अलग फंडिंग सरकार की तरफ से दी जाती है ताकि वहां पे बुनियादी ढांचा विकसित किया जा सके। डुगन और डुगैन ऐसे दो ब्लॉक्स हैं। पिछले वर्ष भी कुछ काम डुगन में कराए गए हैं, अगले वर्ष इस वर्ष भी इनमें पैसा आएगा, और हमारा प्रयास यही होगा कि आप लोगों के फीडबैक के आधार पर जो जो कमियां रह गई, जैसे एक समस्या थी कि कुछ पंचायतों में काम ज्यादा हुआ कुछ में कम हुआ, वो बैलेंस किया जा सके, यहाँ का ब्लॉक का जो ऑफिस है उसको प्राथमिकता पे लिया जा सके, इस तरीके के कुछ काम हम करने की कोशिश करेंगे। सामान्य तौर पे जब भी मैं ब्लॉक दिवस में आता हूँ तो एक चीज मैं जरूर कहता हूँ अपने अधिकारियों से, लोगों ने आपस में रखी सर। डुगन एक रिमोट ब्लॉक है, आज यहाँ पे कार्यक्रम ब्लॉक दिवस का रखा गया था, उद्देश्य वही था कि पब्लिक से सीधे बातचीत की जा सके, प्रशासन के सभी लोग थे, सभी डिपार्टमेंट्स थे, तो यहाँ की जो समस्याएं हैं जो मूलभूत समस्याओं से रिलेटेड है, और भी जो पीआरआई सदस्यों के माध्यम से यहाँ की लोकल पब्लिक के द्वारा बताई गई हैं, उनकी आज चर्चा भी की गई मौके पर। जो जिला स्तर की समस्याएं हैं उनका जिला स्तर पर समाधान करने का प्रयास होगा, जो से ऊपर की समस्याएं हैं उनको ऊपर टेकअप किया जाएगा ताकि ब्लॉक दिवस के माध्यम से जो समस्याओं का निस्तारण होना है उसको पूरा किया जा सके। क्या क्या जैसा मैंने बताया, समस्याओं को पहले सबसे पहले वर्गीकृत करना पड़ता है, कैटेगराइज करना पड़ता है। कुछ समस्याएं होती है जो हमारे जिला स्तर की है, उससे नीचे के अधिकारियों के स्तर की होती हैं, वो आज हमने चर्चा की है, उनका हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी समाधान हो सके। जो हमारे से ऊपर के स्तर की समस्याएं हैं उनको हम टेकअप करेंगे कंसर्न डिपार्टमेंट कंसर्न लेवल पे ताकि उनका भी समाधान हो सके। सुंदरून पंचायत का एक हथन इलाका, वहाँ पर पीएस हथन है, आज भी सर मड प्लस्तर वहाँ पर किया गया स्कूल को, वो सर वहाँ के बच्चों की डिमांड कर रहे हैं कि वहाँ पर उसको चेंज किया जाए, रिपेयर किया जाएगा। इस तरह आज समस्याएं बताई गई हैं, जैसा मैंने कहा ना, जो भी समस्या संज्ञान में आई है उनके ऊपर कार्रवाई कराई जाएगी। थैंक यू। घर सड़कें आंगन बनाना चाहते हैं मजबूत और शानदार, तो फिर जरा भी ना करें इंतजार, क्योंकि प्रो बिल्डर्स लाए हैं आपके बन्नी में आपके लिए अंबुजा सीमेंट से बने मजबूत होलो ब्लॉक्स, टाइल्स और फेंसिंग पोल। तो फिर देर किस बात की, अभी ऑर्डर करने के लिए कॉल करें 9906763071 या फिर 6006।